नमस्कार स्पोर्ट्स अड्डा में अभी की बड़ी खबर आपके सामने। दिनेश कार्तिक ने बताया कौन है टीम इंडिया का सबसे अहम खिलाड़ी। कोहली रोहित का नहीं लिया नाम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में 2-1 की हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी आईपीएल की तैयारी में जुट गए हैं। लगभग 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के बाद टीम इंडिया को 2 आईसीसी ट्रॉफी के लिए लड़ाई करनी है। जून में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। इसके बाद भारत को अपने घर में वनडे विश्व कप भी खेलना है। आईसीसी के 2 बड़े टूर्नामेंट से पहले दिनेश कार्तिक ने भारत के सबसे अहम खिलाड़ी का चयन किया है, लेकिन कार्तिक ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को सबसे अहम नहीं बताया है, जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। उन्होंने हार्दिक पांड्या को भारत का सबसे अहम खिलाड़ी बताया है, जो फिलहाल T20 और वनडे में ही खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने पिछले साल आईपीएल से वापसी की थी। पिछले साल आईपीएल में उन्होंने अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को खिताब भी जिताया था और अब भारत के नए कप्तान की रेस में भी सबसे आगे हैं। वैसे क्या आपको भी लगता है टीम के सबसे अहम खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।